हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएनबी का ग्राहकों को शानदार तोहफा, शुरू की ये बेहतरीन सुविधा। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार सुविधा शुरू की है। बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए लोन की ईएमआई देने का तरीका बेहद ही आसान कर दिया है। अब आपको लोन की किश्त जमा करने के लिए यहां वहां नहीं भटकना होगा। अब ग्राहक गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के जरिए भी लोन चुका सकते हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। जी हां, इमैनुअल मैक्रोन ने फिर चुनाव जीता है और 20 वर्षों में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने हैं। 44 वर्षीय ने अपने प्रतिद्वंद्वी मरीन ले पेन को पक्के तौर पर हरा दिया है और दूर दराज को सत्ता से बाहर रखा है। बता दें कि अपने विजय भाषण में मैक्रोन ने फ्रांस पर शासन करने के लिए एक नवीनीकृत पद्धति का वचन दिया है। प्रियंका गांधी के खिलाफ राणा कपूर के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी केवल मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। जी हां, प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने के लिए विवश करने के आरोपों पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी बिना किसी आधार के केवल मुद्दा गर्म रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह आदमी राणा कपूर मरे हुए लोगों पर भी जो आरोप लगा रहा है और बीजेपी सिर्फ उकसाने के लिए ये काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के बाद रिफाइंड तेल और सरसों तेल हुआ 10 रुपए लीटर महंगा। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच सरसों तेल से लेकर रिफाइंड की कीमतों में 10 रुपए तक की तेजी आई है। सब्जियों की कीमतों में तेजी के पीछे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने और दिल्ली से सटे हुए राज्यों से पर्याप्त मात्रा में आवक शुरू न होने को कारण बताया जा रहा है। सरसों तेल 160 से 195 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ट्विटर एलोन मस्क के $43 बिलियन के अधिग्रहण प्रस्ताव पर कर रहा है पुनर्विचार। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर एलोन मस्क के $43 बिलियन के अधिग्रहण प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रहा है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है। बता दें कि यह रिपोर्ट टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के सौदे के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के बाद आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कहा अब औरंगाबाद और पुणे के बीच बनेगा एक्सप्रेसवे। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत से औरंगाबाद और पुणे के बीच एक एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि औरंगाबाद और पुणे के बीच की दूरी करीब 225 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पूंजी से युवा स्वयं का रोजगार खोल सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।